हेलो दोस्तों, मैं आपसे कुछ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं शायद आपने भी फील किया होगा, या फिर आप कभी बोलने से डरते हैं कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बातें बनाएंगे। तो ये तो ज़माना है, लोग तो बात बनाएंगे ही। यार, जब हम किसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, तो हमें उस टाइम पर लगता है कि प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। ये बात कड़वी है भाई, लेकिन सच है। औकात के सामने प्यार छोटा पड़ जाता है। सही है भाई, औकात के सामने प्यार भी छोटा पड़ जाता है। लोग अंत में यही होता है कि औकात के ऊपर आ जाते हैं कि तेरे क्या औकात है। उस टाइम प्यार भी फीका पड़ जाता है भाई, काफ़ी चीज़ें फीकी पड़ जाती है। दोस्तों की जैसे इमोशनल फीलिंग्स, इन सब की किसी को कोई कदर नहीं है अगर औकात नहीं है तो। सब लात मार के निकल जाएंगे कि क्या औकात है, क्या किया, क्या नहीं किया, इतनी उम्र हो गई, सब ये बात बताते हैं। तो भाई, एक चीज़ और है कि अगर हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते ना, तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा जताना नहीं चाहिए कि हाँ, दिखावे में हम जता रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? मत करो, उस चीज़ छोड़ दो। क्योंकि ये व्यक्तित्व के खिलाफ भी होता है कि हमें उसके पास जाने से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, नहीं फिर भी हमको उससे मतलब है तो हम उससे बात कर रहे हैं। आज जब दिखे कि उससे मतलब ही नहीं है हमें, तो उस चीज़ को उस टाइम छोड़ देते हैं। एक पल नहीं सोचते हैं कि सामने वाले पे क्या बीतती, कि क्या होगा। लोगों को शुरू में लगता है कि नहीं, प्यार बढ़कर है, प्यार बढ़कर है। भाई, प्यार बढ़कर नहीं होता है। औकात के सामने ना प्यार भी फीका पड़ जाता है। और चलो मान लेते हैं कि आपको आपका प्यार मिल गया, पर कहीं ना कहीं कुछ टोंट के जरिए से आ ही जाता है कि औकात क्या है। तो चलो मान लेते हैं कि यार, आपको प्यार मिल गया, पर इस बात की क्या श्योरिटी है 100% कि कैरियर भी मिल सकता है? हाँ, जैसे कि 80% लोगों को तो नहीं मिल सकता, 20% लोगों को मिल जाए तो वो बात अलग है। लेकिन 99% चांस में भाई, मैंने जितने केसेस देखे हैं उसमें यही होता है कि औकात के सामने तो आ ही जाती है। घर वाले ये नहीं बोल रहे हैं, घर वाले वो नहीं बोल रहे हैं। अब ये सब पहले सोच लेना चाहिए ना कि घर वाले नहीं बोल रहे हैं, तब किसी की फीलिंग के साथ जुड़ो। उसको बीच रास्ते में छोड़ के निकल जाओगे, उस पर क्या बीतेगी? चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्या बीतेगी उस पर? छोड़ने से पहले, किसी से कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचो कि मेरे वर्ड्स उसको कैसे फील हो रहे हैं, क्या हो रहा है। हर चीज़ सोच के बोलना चाहिए। तो इस लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में औकात। औकात है तो प्यार खुद चल के आएगा, तब हर चीज़ बढ़िया होगा इस लाइफ में, हर चीज़। तो भाइयों, औकात पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर दो। 1 साल 1.5 साल की मेहनत आपको लॉन्ग टाइम हमेशा खुशी होगी, हैप्पीनेस, हर चीज़ हैप्पीनेस। जो लोग दो बात इज्जत नहीं करते हैं, वो दिखावे की इज्जत भी करने लगेंगे। बात कड़वी है, जो लोग अभी दूर हैं, कुछ बन जाएंगे हम, तो वही लोग और ज़्यादा क्लोज होंगे, जो सबसे ज़्यादा पीछे पीठ पीछे बातें बनाते हैं। तो सिंपल सा ये बात है यार कि प्यार भी घुटने टेकता है औकात के सामने। तो सबसे पहले अपनी हैसियत बनाना बहुत ज़रूरी है लड़कों, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। औकात बनाओ, चाहे वो कोई बिजनेस हो, अपना बिजनेस या पढ़ाई हो। पैसा होना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, इस ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। वंदे मातरम, जय हिंद।